नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग आर्ट एंड कल्चर की चर्चा कर रहे थे और आर्ट एंड कल्चर में हम लोगों ने बहुत सारे जो है टॉपिक पढ़ लिए हैं, जिसमें मैंने बड़ी से बड़ी कंपटीशन और छोटे से छोटे कंपटीशन से संबंधित सभी प्रश्नों को हम लोगों ने देख लिया है। और आज जिस प्रश्न का बारे में हम चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान की चित्रकला है। आप ये समझ दो कि राजस्थान की चित्रकला के बारे में हम लोग क्या क्या सीख सकते हैं। दोस्तों, एक बड़ा टॉपिक है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन भाई याद तो अपन को करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? याद तो करना ही पड़ेगा। याद करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इस जो चित्रकला में है ये अपना पार्ट फर्स्ट हो सकता है और इसके 3 या 4 पार्ट ऐसे आएंगे, तो आप लोग धैर्य से इस जो है कक्षा को देखिएगा। ये ज्यादा बड़ी कक्षा नहीं होगी मेरे ख्याल से, लेकिन अगर ज्यादा बड़ी हो भी जाए तो पूरा वीडियो देखिएगा। एक एक लाइन इसका जो है आप नोट कर लीजिएगा, नहीं तो मैं है टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा, आप लोग उस वहां से डाउनलोड करिए, फिर इस कक्षा को लीजिएगा। इस कक्षा का मजा आएगा। हाँ, क्या आएगा? मजा आएगा। तो इस कक्षा को पूरी देखिएगा दोस्तों। चित्रकला में जब हम लोग बात करते हैं, कुछ चित्र जो हमें पुरातन काल में मिले, प्राचीन काल में कालांतर में जब चित्र बनाए जाते थे तो वो चित्र कई पत्थरों पे बना दिए जाते थे, या कि वो जो चित्र है वो किसी अगर पेड़ की कोई पत्ती है तो उस पे बना दिए जाते थे। कहीं ना कहीं ये चित्र बनाए हुए हैं जिनका है बाद में साक्ष्य मिले और इन चित्रों के माध्यम से हम लोगों ने बहुत सारी बातें कही। ठीक है, अब इसमें जो है चित्रकला में सबसे महत्वपूर्ण जो बातें ध्यान रखनी है वो मैं शुरुआत में आपको इतने एक एक लाइन को आप लोगों को लिख लेनी है, क्योंकि ये शुरुआत की जो लाइन है ना, इनमें से प्रश्न हर बार बनता आया है। क्या? हर बार बनता आया है। तो यहाँ से जो है हम लोग शुरुआत करते हैं अपनी आज की कक्षा का। दोस्तों, भारत में जो है चित्रकला के जनक है अपने रवि वर्मा जी। रवि वर्मा जी हालांकि आपके लिए इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन जब लोग आप भारत की जो चित्रकला पढ़ोगे या भारत की जब आर्ट एंड कल्चर पढ़ोगे तो यहाँ रवि वर्मा जी का जो है जिक्र अक्सर होता है। दोस्तों, राजस्थान की चित्रकला के जो जनक है वो आनंद कुमार स्वामी जी है। अब इन महाशय ने क्या किया था, इन जो महाशय है राजस्थान के आनंद स्वामी जी, इन महाशयों ने जो है 1916 ईस्वी में, क्या 1916 ईस्वी में, राजपुताना पेंटिंग्स की किताब थी इनकी खुद की, राजपुताना पेंटिंग्स, इसमें सर्वप्रथम राजस्थानी चित्रकला का क्या किया था, वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था। वैज्ञानिक वर्गीकरण किया था यानी कि इन्होंने अलग अलग भागों में बांटा था किसको, किसको, राजस्थान की चित्रकला को, है ना, राजस्थान की चित्रकला को। अगर मैं बोलूं राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के जनक कौन से हैं, राजस्थान में जो है आधुनिक चित्रकला के जनक अगर मैं पूछ लूं आपको, या फिर कोई भी आपको प्रश्न पूछे तो आप लोग क्या जवाब दोगे, कुंदन लाल मिस्त्री जी। क्या? कुंदन लाल मिस्त्री जी। कुंदन लाल जो मिस्त्री जी है वो राजस्थान में आधुनिक चित्रकला के क्या है, जनक है। क्या है दोस्तों? जनक है। अब जो है राजस्थान चित्रकला का जन्म हुआ कहां से, देखिए यहां देखिए आप, राजस्थानी चित्रकला का अगर मैं जनक या फिर जो जन्म जो है वो मैं मानूं तो मैं जैन चित्र शैली से मानता हूं। जैन चित्र शैली से जो है हमने किताबों में पढ़ा कि जैन चित्र शैली जो है वही से राजस्थानी जो है चित्रकला का जन्म जनक हुआ है, या फिर गुजरात शैली बोल सकते हो आप लोग, या गुजरात शैली से, है ना, गुजरात शैली से इसका जन्म हुआ है, या फिर इसको बोल दो अपभ्रंश शैली, अपभ्रंश। अब अपभ्रंश तो आप बोलोगे कि भाषा है भैया, मैं अपभ्रंश लिख लेता हूँ पहले, अपभ्रंश, ये अपभ्रंश शैली। अपभ्रंश शैली जो है, जिसे अपभ्रंश का मतलब क्या होता है, अपभ्रंश मतलब कि एक आपने कल्चरल क्लासिकल क्लासिकल यानी कि साहित्यिक जो चीजें होती है, जैसे अपभ्रंश अपने जो शैली है अपने अपभ्रंश शैली, उसमें भाषा भी अपभ्रंश शैली, मतलब एक क्लासिकल चीज है अपभ्रंश। जहां भी अपभ्रंश का नाम है आप क्लासिकल से जोड़ सकते हो, या फिर अजंता चित्र शैली गुजरात से, है ना, इनका जन्म हुआ, जैन चित्र शैली से मान सकते हो, गुजरात या अपभ्रंश, या फिर क्या अजंता चित्र शैली, ऐसे कुछ अगर आपको ऑप्शन मिल जाए तो आप लोग इनको टिक करके आ जाइएगा, आपको क्या मिल जाएंगे, मार्क्स मिल जाएंगे, है ना। तो ये तो हुई कुछ बातें अपने राजस्थानी चित्रकला से, है ना। मैं एक बार वापस से रिपीट कर दूं, भारत में चित्रकला के जनक रवि वर्मा जी, भारत में चित्रकला के जनक कौन है, रवि वर्मा जी, राजस्थान में जो है कौन है, आनंद स्वामी जी, और 1916 ईस्वी में इन्होंने अपना ग्रंथ लिखा। क्या नाम है ग्रंथ का? राजपुताना पेंटिंग। और नाम इन्होंने किया क्या काम,
राजस्थानी जो है चित्रकला का वैज्ञानिक वर्गीकरण किया। मैं आधुनिक चित्रकला की बात करूं तो कुंदन लाल मिस्त्री, क्या कुंदन लाल मिस्त्री। वही राजस्थान की चित्रकला की जन्म की बात करूं तो जैन चित्र शैली या फिर अजंता चित्र शैली, जो कि या इसको बोल सकते हैं गुजरात चित्र शैली या फिर इसको अपभ्रंश चित्र शैली, इतने नामों से इनको बोला जा सकता है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रश्न मानता हूं वो मैंने आपको बता ही दिया कौन सा, ये वाला है ना, ये इसमें मैंने हाईलाइट भी कर रखा है। तो इसकी जो है वो मिल जाएगी आपको पीडीएफ टेलीग्राम में। अब जो बात करते हैं भाई, अब जो बात करते हैं किसकी, अब जो बात करते हैं हम लोग राजस्थानी, क्या राजस्थानी जो है चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत कब से हुई, 15वीं सदी से या 1500 से, है ना। राजस्थानी जो है चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत हुई 15वीं सदी से। ये सब ऑथेंटिक बातें हैं दोस्तों, इन सबको आपको याद रखनी पड़ेगी, रट लेनी पड़ेगी। क्या 1500 ईस्वी से या 15वीं सदी से, सॉरी 15वीं सदी से या फिर 1500 से अपनी क्या हुई राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत हुई, क्या हुई विशुद्ध रूप से शुरुआत हुई। राजस्थान चित्रकला विशुद्ध रूप से भारत भारतीय है, ये बात किसने कहा, विशुद्ध रूप से भारतीय हैं ये किसने कहा, पैट्रिक लॉरेंस ने। पैट्रिक लॉरेंस जो है उन्होंने क्या कहा, राजस्थानी जो चित्रकला है वो विशुद्ध रूप से क्या है भारतीय है। तो ये प्रश्न भी आपको पूछ सकते हैं। देखिए राजस्थानी जो चित्रकला है उसका स्वर्ण काल, ये प्रश्न आपको हर एक जो अपन पढ़ेंगे स्कूल है इनके बारे में, चार स्कूल है, मैं आगे अभी आपको बताऊंगा जो इनके बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हर एक स्कूल्स का हर एक चित्र शैली का जो है स्वर्ण काल आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं भी आपको बताऊंगा एक एक चित्र शैली का स्वर्ण काल, ठीक है। अब जो है राजस्थानी जो चित्रकला है उसके जो उसका जो स्वर्ण काल है वो 1700 से 1800 है ना, 1700 से 1800 के मध्य माना जाता है। वही भारतीय चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो कहां से, जहांगीर का काल है, और जहांगीर का काल कौन सा, 1605 से 1627, इस टाइम सबसे ज्यादा भाई चित्र बने थे। स्वर्ण काल मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा खूबसूरत चित्र या चित्र को महत्व सबसे ज्यादा किसके काल में दिया जाता था, किसके काल में सबसे ज्यादा चित्र बने थे या फिर वहां से जो है साक्ष्य मिले हुए हैं किस काल के, हाँ किसके काल के जो है साक्ष्य मिले गए हैं। तो मैं एक बार रिपीट करूं, जो राजस्थानी चित्रकला की विशुद्ध रूप से शुरुआत 15वीं शताब्दी या 1500 से हुई है, राजस्थानी चित्रकला विशुद्ध रूप से भारतीय, ये बात कही अपने पैट्रिक लोरेंस जी ने। और राजस्थानी चित्रकला का जो स्वर्ण काल है वो 1700 से 1800 सदी के 1800 के मध्य माना जाता है, और वही भारतीय चित्रकला का स्वर्ण काल है वो 1605 से 1627 ईस्वी तक माना जाता है। वहीं दो अपने और हुए अपने जो है साहित्यकार, उन्होंने बोला हेवेल और गांगुली ने कि राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली कहा जाता है, क्योंकि राजस्थान में राजपूत, और राजपूताना नाम ही कहाँ से है, राजपूताना राजपूतों से, यानी कि जो उस टाइम थे जो थे वो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली में कहा, किसने, हेवेल और गांगुली ने, है ना, हेवेल और गांगुली ने। तो ये कथन भी आपको क्या क्या करना है, याद रखना है ना, ये कथन भी क्या करना है, याद रखना है दोस्तों, ये कथन क्या करना है आपको याद रखना है कि किसका, हेवेल और गांगुली जो है वो राजस्थानी चित्रकला को राजपूत शैली मानते हैं, है ना, राजपूत शैली क्या है मानते हैं। वही जो एनसी मेहता है अपने, कौन, एनसी मेहता, और एनसी मेहता जो है उन्होंने क्या कहा, एनसी मेहता ने जो है अपने चित्रकला को, राजस्थानी चित्रकला को हिंदू चित्र शैली कहा, हिंदू चित्र शैली कहा। तो ये तो मुख्य मुख्य बातें हमको ध्यान रखनी ही है। किसने क्या कहा मैं भी आपको बताता हूँ, रामकृष्ण दास व कर्नल जेम्स टोड ने जो है वो चित्रकला को राजस्थानी चित्र शैली कहा। तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, देखिए अपने जो हेवेल है ना, हेवेल व गांगुली, हेवेल व गांगुली जो है उन्होंने क्या कहा भाई, उन्होंने राजपूत क्या कहा, राजपूत शैली कहा। वही अपने एनसी मेहता साहब है, एनसी मेहता है ना, एनसी मेहता जी है, उन्होंने क्या कहा भाई, हिंदू चित्र शैली, क्या हिंदू चित्र शैली, हिंदू चित्र है ना शैली, हिंदू चित्र शैली। वही अपने जो रामकृष्ण दास जी वो कर्नल जेम्स टोड है, उन्होंने क्या कहा भाई, राजस्थानी क्या,
राजस्थानी चित्र शैली है ना, ये कहा। तो ये तो मुख्य मुख्य बातें आपको ध्यान रखनी है, किसकी किसकी, हेवेल की याद रखनी है, एनसी मेहता की याद रखनी है, और रामकृष्ण दास व कर्नल जेम्स टोड की बातें याद रखनी है हम लोगों को। अब बात करते हैं हम लोग कुछ अन्य चीजें। देखिए, दर भरतपुर के प्राचीन चित्रों की खोज किसने की, इतनी सी बात है आपको याद रखनी, श्रीनंदर वाकणकर है ना, श्रीनंदर वाकणकर ने की है ना, किसकी खोज, दर भरतपुर चित्रों की, दर भरतपुर चित्रों की, किसकी, दर भरतपुर की, भरतपुर की, दर भरतपुर चित्रों की खोज किसने की भाई, अपने श्रीनंदर वाकणकर ने। आलनिया कोटा, आलनिया कोटा चित्रों की खोज की थी जगन्नाथपुरी ने, जगन्नाथपुरी ने आलनिया कोटा के चित्रों की खोज किसने की। ये सब अपने पुरातन काल के जो है चित्र शैलियां हैं, जहाँ चित्र का चित्र मिले हैं, कहाँ कहाँ से मिले, दर भरतपुर से मिले हैं एक तो, एक आलनिया कोटा से मिले हैं, जगन्नाथपुरी जो है, जगन्नाथपुरी जी है उन्होंने तो किसकी खोज की थी, आलनिया कोटा के चित्रों की, और दर भरतपुर के जो चित्रों की खोज है वो श्रीन्द्र वाकणचार्य ने की थी। देखिए, बेराट सभ्यता, मैंने अभी आपको बताया था बेराट में 5,000 वर्ष पुराने चित्र मिले थे, 5,000 वर्ष पुराने चित्र मिले थे, और जिसकी जो खोज है वो राजस्थान पुरातन विभाग ने की थी। तो ये यहाँ से प्रश्न बन सकता है, क्योंकि ये राजस्थान सरकार से संबंधित प्रश्न है, बेराड सभ्यता में कौन कितने साल पुराने मिले, 5 साल, 5,000 साल पुराने जो है चित्र मिले हैं, और जिसकी जो खोज है वो अपने राजस्थान पुरातन विभाग ने की है। अब है बेराट सभ्यता में जो है पाए गए जो अवशेष है बेराट सभ्यता में, अभी मैंने बताया ये प्राचीन युग की चित्रकला कहा गया है, प्राचीन युग की क्या कहा गया है, चित्रकला कहा गया, किसको, बेराट सभ्यता में पाए जाने वाले किसको, चित्रों को, क्या कहा है, प्राचीन युग की चित्रकला कहा है। अब आता है मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ जो है, मेवाड़ का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, क्या, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, जो 1260 ईस्वी में तेज सिंह राजा थे यहाँ के, तेज सिंह जी, और बनाया किसने था, कमल चंद्र ने, किसने, कमल चंद्र का कौन सा अपने चित्रित ग्रंथ था, वो था श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, क्या, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, ये आपको याद रखना है, भले आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये प्रश्न याद रखना, ये प्रश्न के साथ याद रखना अपन को 1260 ईस्वी, और एक जो महत्वपूर्ण बात याद रखनी वो रहा याद रखनी, क्या, तेज सिंह, क्या, तेज सिंह है ना, तेज सिंह के बारे में याद रखनी है, कौन सी बात, कि मेवाड़ का प्रथम चित्रीकरण कौन सा, पहली बात तो श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चिरणी, और लिखा किसने था, सॉरी बनाया किसने था, कमल चंद्र ने, और 1260 ईस्वी में तेज सिंह के काल में जो है वो ये बनाया हुआ था ना, तेज सिंह के काल में क्या है, बनाया हुआ था। अब बात करते हैं कुछ प्रमुख संस्थान जो कि राजस्थान चित्रकला से संबंधित है। देखिए, एक संस्थान आता है मयूर संस्थान, अपने निवाई में है, कहाँ, निवाई में, प्रश्न बनता है मयूर संस्थान का प्रश्न बनता है कहाँ है, निवाई में है भाई, निवाई में है ना। फिर है चितेरो, चितेरा, धोरा और मान प्रकाश है ना, चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, इस नाम से चित्रकला से संस्थान है, वो अपने कहाँ है भाई, जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर में, चितेरो, चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, क्या, चितेरा, दोरा, मान प्रकाश, कहाँ है अपने, जोधपुर में है ना, चितेरा, दोरा, मान प्रकाश है ना। पेग, कलाकृति, आयाम, जवार, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और तेज है ना, पेग, ये सब बातें याद रखनी, ये कहाँ अपने, जयपुर में, पेग, कलाकृति, पेग, कलाकृति, आयाम, जवार, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और तेज है ना, ये चारों, ये पांचों जो संस्थान है ये अपने कहाँ है, जयपुर में है, ये सब अलग अलग नाम है, पेग, कलाकृति, आयाम, जवार, क्रिएटिव आर्टिस्ट ग्रुप और तेज, ये सब पांचों जो है चित्रकला संबंधित जो है संस्थान कहाँ पे है अपने, जयपुर में, कहाँ, जयपुर में। और बात करता हूँ सरस्वती के नाम से एक संस्थान, एक टमखण के नाम से, आज के नाम से, प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से, ये अपने कहाँ भाई, उदयपुर में। तो ये बातें भी ध्यान रखनी है, और इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है कहाँ की, अंकन भीलवाड़ा, अंकन भीलवाड़ा पूछा गया प्रश्न है, अंकन भीलवाड़ा, अंकन भीलवाड़ा, अंकन जो है वो संबंधित संस्थान है भीलवाड़ा में, कहाँ, भीलवाड़ा में ना,
फिर मुकाम और पलवा अपने कहा बीकानेर में, कहा बीकानेर में। अब बात करते हैं आगे की बातों की। राजस्थान के जो प्रसिद्ध चितेरे यानी प्रमुख जो प्रसिद्ध हुए हैं चित्रकार, चितेरों से क्या मतलब है, चित्रकार, क्या चित्रकार है ना। सबसे पहले बेसो का चितेरा कौन है, परमानंद चोयल, कौन है, परमानंद चोयल। याद रखने योग्य बात है, बेसो का चितेरा परमानंद चोयल, पीलो का चितेरा, ये यहाँ महत्वपूर्ण तो प्रश्न आ गया भाई। ये प्रश्न कितनी बार आ गया है, कितनी ही बार आ गया है, बिल्लो का चितेरा बाबा गोवर्धन लाल, क्या बाबा गोवर्धन लाल। और इन्होंने क्या बारात का चित्र बनाया था, किसका, बारात का। बारात जानते हो ना, जब आपकी शादी होगी, जॉब लग जाओगे, शादी होगी, तब बारात आएगी, क्या बारात जाएगी, सॉरी, बारात जाएगी और आएगी भी सही है ना, बारात जाएगी और आएगी। गांव का चित्र किसने बनाया, भूर सिंह शेखावत ने। प्रसिद्ध चितेरे हैं और उनके क्या है, चित्र है। गांव का चित्र किसने बनाया, भूर सिंह शेखावत। नीड का चितेरा भाई, नीड का चितेरा कौन है, सौभाग्यमल गहलोत, अपने गहलोत जी से याद रख लेना, कौन, सौभाग्यमल गहलोत। मुझे लगता है ये प्रश्न आएगा भाई, है ना। ऊंट का चितेरा हिसामुद्दीन उस्ता, उस्ता कला नाम सुना ना, उस्ता कला चित्रकारी, ये ऊंट पे इन्होंने चित्र बनाया था, उस्ता कला है ना। ये कौन है, हिसामुद्दीन उस्ता, ये प्रसिद्ध चितेरे हैं। स्वानों का एंड कुत्तों का चितेरा कौन है, जगमोहन मथेड़िया। 3,000 स्वानों, सॉरी स्वान है यहाँ पे ना, 3,000 स्वानों, 3,000 कुत्तों पे के चित्र बनाकर गिनीज बुक में नाम दर्ज है। प्रश्न बन सकता है, किस चितेरे का जो है गिनीज बुक में नाम दर्ज है, कितने स्वानों का चित्र बनाया, या फिर स्वानों का चित्र चितेरा जो है वो कौन है, कौन, अपने जगमोहन मेड़िया माथेड़िया, सॉरी जगमोहन माथेड़िया, क्या जगमोहन माथेड़िया साहब, क्या माथेड़िया, जगमोहन माथेड़िया। तो ये प्रश्न भी आपको याद रखना है दोस्तों, ये प्रश्न भी क्या करना है, याद रखना है ना। अब चलते हैं आगे की बातों पे चलते हैं। चित्रकला से संबंधित संग्रहालय है ना, चित्रकला से संबंधित कौन कौन से संग्रहालय है, देखिए कुछ चित्रकला से संबंधित संग्रहालय है वो करंट अफेयर में पूछे जाते हैं, और ये सब प्रश्न किसके हैं, करंट अफेयर्स के हैं, पूछ ले जाएंगे, मर जाओगे याद नहीं करोगे तो, मर जाओगे भाई। क्लास देख लेना और लाइक भी कर देना है ना, लाइक करना है, लाइक ठोक के ना, ठोक दीजिए लाइक को। पोतीखाना संग्रहालय कहाँ है, जयपुर में, कहाँ, जयपुर में अपना पोतीखाना संग्रहालय। प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, पूछा गया है प्रश्न, पोतीखाना संग्रहालय कहाँ है, जयपुर में। सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में, मैंने अभी बात भी की थी आपको संस्थान की, सरस्वती संग्रहालय उदयपुर में। मान प्रकाश संग्रहालय कहाँ है, जोधपुर में, कहाँ, जोधपुर में, क्या है, मान प्रकाश संग्रहालय। और जैन भंडार संग्रहालय कहाँ है, अपने जैसलमेर में। तो यह सब बातें याद रखनी है, किसके बारे में, अपने संग्रहालयों के बारे में पूछा जा सकता है प्रश्न, प्रश्न पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। तिब्बती इतिहासकार तारनाथ शर्मा ने, है ना, तिब्बती इतिहासकार थे तारनाथ शर्मा ने, राजस्थान का प्रथम चित्रकार जो है किसको कहा, श्रृंगधर को कहा, किसने, तिब्बती इतिहासकार है तारनाथ शर्मा, कौन है, तिब्बत के इतिहासकार कौन है, तारनाथ शर्मा जी। इन्होंने क्या क्या कहा, राजस्थान का जो प्रथम चित्रकार है वो श्रृंगधर है, कौन है, श्रृंगधर है। तो ये भी याद रखने योग्य बातें हैं अपनी। आगे चलते हैं भाई, आगे चलते हैं। अब आता है अपना महत्वपूर्ण टॉपिक, और यहां से तो प्रश्न पूछे ही जाते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी नहीं भूलना है, लेकिन यहाँ से तो प्रश्न याद रखने ही हैं। छोटी मोटी जो परीक्षाएं हैं वो प्रश्न यहाँ से पूछे जा सकते हैं, कहाँ से, यहाँ से। देखिए राजस्थानी जो चित्रकला है इसकी शैलियों का वर्गीकरण हम लोग करते हैं, शैलियों का वर्गीकरण करते हैं भाई, है ना। जो सांस्कृतिक व भौगोलिक आधार पर इसका जो है, इन शैलियों का क्या करते हैं, वर्गीकरण करते हैं। राजस्थान चित्र शैली को 4 भागों में हम लोगों ने, नहीं, किसने बांटा है, अपने वर्गीकरण कौन, आनंद कुमार स्वामी जी, उन्होंने बांटा है, ठीक है। मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं और आज जो पढ़ने वाले हैं वो यही है, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग, क्या, मेवाड़ स्कूल पेंटिंग। और इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपनी
अगली कक्षा में। लेकिन आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। क्या ठीक है, सबसे पहले इसकी उपशैलियां हैं। उपशैलियां में कौन कौन, उदयपुर चित्र शैली सबसे बड़ी चित्र शैली है इसमें। मेवाड़ स्कूल में सबसे बड़ी चित्र शैली कौन सी है, उदयपुर चित्र शैली। फिर आता है नाथद्वारा चित्र शैली, फिर आता है देवगढ़ और चावंड। ये चार उपशैलियां याद रखनी है किसकी, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। हाँ, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। अब इसके बारे में जो है वो बात करेंगे बाद में, है ना। अभी के लिए ये सिर्फ नोट्स मेकिंग पैटर्न्स पे मैंने बनाए हैं, तो मैंने इस प्रकार से कुछ नोट्स बना दिए हैं। ये चौथा वाला यहाँ पे है ना, चौथा वाला यहाँ पे है, ये अपने तीसरा नंबर का है, ये दूसरा नंबर का है अपने, और ये अपने पहले नंबर का। ठीक है, तो ये सब चीजें अपन को याद करनी है, लेकिन सबसे पहले अपन लोग पढ़ेंगे मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। क्या, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, अब बात करते हैं भाई सबसे इंपॉर्टेंट कक्षा जो शुरुआत हो चुकी है, मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग के बारे में। उदयपुर चित्र शैली, ये उपशैली है किसकी, उपशैली है भाई किसकी, उपशैली है मेवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग की। क्या है, उपशैली है, उपशैली है ना। प्रारंभ काल किससे माना जाता है, राणा कुंभा के काल से। प्रारंभ किसने किया, राणा कुंभा के काल से। दोस्तों आपको पता है राणा कुंभा जी बहुत बड़े जो है कला के अपने ज्ञाता थे, मतलब कला इनको इतनी प्यारी थी, बहुत ज्यादा कलाकृतियां इन्होंने, इनकी बनाई हुई महल बावड़िया, मतलब इतने सब कुछ मंदिर इनके बनाए हुए हैं। कहाँ पे, उदयपुर में, है ना। स्वर्ण काल, स्वर्ण काल जो है वो अपने जगत सिंह प्रथम का काल है। सबसे ज्यादा चित्र के कब बनाए गए, जगत सिंह प्रथम के समय। कब, जगत सिंह प्रथम के समय। ठीक है, यहाँ रंग प्रधान रंग कौन सा है, पीला और हरा। प्रधान यानी सबसे ज्यादा मान्यता प्राप्त रंग कौन सा है, पीला और हरा, पीला और हरा, पीला व हरा, ये भी याद रखना है। वृक्ष कौन सा है, वृक्ष कौन सा, कदम का वृक्ष या कदम का वृक्ष, है ना। सबसे ज्यादा चित्र किसके, पक्षी चकोर, चकोर पक्षियों के, कदम के वृक्ष के, है ना। प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, प्रमुख चित्रकार कौन कौन है ना, साबुद्दीन। प्रमुख चित्रकार कौन है, साबुद्दीन, भेरू राम, कृपा राम, मनोहर नानक राम और जीवा राम। प्रमुख चित्रकार साबुद्दीन और उसके अलावा भेरू, भेरू, कृपा राम, मनोहर राम, सॉरी मनोहर, नानक राम और जीवा राम। क्या, साबुद्दीन, भेरू राम, कृपा राम, मनोहर, नानक राम और जीवा राम, ये भी आपको याद रखने हैं। क्या करने हैं, याद रख ले हैं। अब बात करते हैं आगे की बातें, जो सभी चित्र शैलियां हैं उनकी जो जननी कौन सी चित्र शैली है अपनी, कौन सी, उदयपुर चित्र शैली, कौन सी, उदयपुर चित्र शैली, ये भी याद रखना है दोस्तों। अजंता शैली का सर्वप्रथम प्रभाव जो है वो उदयपुर चित्र शैली में पड़ा। अजंता शैली मैंने बताई थी, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, जैन शैली, है ना, जैन शैली। और इसका जो प्रमुख प्रभाव है वो पड़ा किस पे, उदयपुर। क्यों, क्यों, क्योंकि उदयपुर जो है वो गुजरात के नजदीक है। और आपको पता है सबसे ज्यादा किताबें किसकी लिखी हुई है, सबसे ज्यादा जो किताबें लिखी है वो अपने जैनों ने लिखी है। तो वो किसका प्रभाव मानेंगे, जैन का ही प्रभाव मानेंगे, है ना। होगा क्या पता, क्या अपन को पता नहीं है, लेकिन अपन को याद तो ये रखना है भाई, परीक्षा में तो यही पास कराएगा, परीक्षा में तो यही पास कराएगा। ज्यादा अपन को दूध में छुआरे नहीं बीनने, क्या नहीं करने, दूध में छुआरे नहीं बीनने। अपन बोलते हैं ना दूध में छुआरे बीनने, दूध में छुआरे नहीं बीनने, अपन को अपने काम से काम रखना है। अपन को सिर्फ ये याद रखना है कि अजंता शैली का जो है सर्वप्रथम प्रभाव कहाँ रख पड़ा है, अपने उदयपुर में पड़ा है ना, उदयपुर में पड़ा है भाई, है ना, हाँ ना लाडलो। ठीक है, अब बात करते हैं उदयपुर मेवाड़ चित्र शैली का प्रथम चित्रित ग्रंथ कौन सा है। मैंने बताया 1900, सॉरी 1900 में बताया ना, 1900 में, है ना। ये कौन सा है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी। क्या, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी, 1900 नहीं है, 15वीं सदी है ना, 15वीं सदी है ना। मैं यहाँ पे आपको एक बार रिवाइज करवा देता हूँ, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चरणी के बारे में, है ना। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनी कहाँ गया अपना, फ्लो फ्लो में क्या निकल जाता है। ठीक, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चुनी, एक मिनट रुक जाओ दोस्तों, टिके रहिएगा, टिके रहिएगा, जाना नहीं गए ना। ये देखिए 1260 में, तेज सिंह के काल में ना, 1260 में, मैंने यहां लिखा ना
1260 में, ठीक है 1260 में, दिमाग से स्किप हो गया था 1260 में। अब बात करते हैं मेवाड़ उदयपुर जो चित्रशैली है, मेवाड़ स्कूल की कौन सी, उदयपुर शैली, उदयपुर चित्रशैली उप शैली है किसकी, मेवाड़ स्कूल की, ठीक है। दूसरा चित्रित ग्रंथ कौन सा, सुपार्श्वनाथ चरित्रम, क्या जैन धर्म का ग्रंथ है सुपार्श्वनाथ चरित्रम, ठीक है। चित्रण कब हुआ, 1422-23 में राणा मोकल, राणा मोकल को जानते हो, उसके काल में दिलवाड़ा सिरोही नामक स्थान पर हीरानंद नामक चित्रकार द्वारा जैन शैली में या फिर मेवाड़ी शैली के मिश्रण में जो है वो चित्रित किया है ना, चित्रित किस कौन कौन शैली, जैन शैली में मेवाड़ी शैली का मिश्रण बनाया, क्या मिश्रण बना लिया, मिक्सिंग कर लिया, और किसने लिख दिया, हीरानंद जी ने, क्या कौन सा लिख दिया भाई, सुपार्श्व चरित्रम जो है वो कौन सा, मेवाड़ जो है उदयपुर चित्र शैली है उसका दूसरा चित्रित ग्रंथ है। पहला कौन सा है, श्रावक प्रतिकर्मण सूत्र चूर्णी, दूसरा कौन सा है, सुपार्श्व चरित्रम, सुपार्श्व चरित्रम। अब बात करते हैं ये ग्रंथ पढ़ा कहाँ पे है, ये ग्रंथ पढ़ना चाहते हो, ये ग्रंथ पढ़ना चाहते हो ना, कहाँ पे चले जाओ भाई, उदयपुर चले जाओ, उदयपुर के संग्रहालय में चले जाओ, कहाँ, उदयपुर के संग्रहालय में चले जाओ। अब देखिए 1540 में नानक राम ताईक, नानक राम कौन है, उदयपुर जो शैली है उसका कौन है प्रमुख चित्रकार है ना, नानक राम, भगवत पुराण चित्र का चित्रण किया था, भगवंत पुराण का किसका चित्रण किया था, किसने 1540 में, किसने, नानक राम ने, नवरत्न शर्मा द्वारा बनाया गया है जो जो है मुरली मनोहर का चित्र है वो मेवाड़ की क्या कहलाती है, मोनालिसा कहलाती है, मेवाड़ की मोनालिसा, याद रखना, कई बार पूछा गया प्रश्न है, नरोत्तम शर्मा द्वारा बनाया गया जो चित्र है वो मुरली मनोहर का चित्र वो क्या है, मेवाड़ की मोनालिसा है, मेवाड़ की क्या है, मोनालिसा है, राजस्थान की मोनालिसा भी याद रखनी है अपने, किशनगढ़ से संबंधित है, बनी ठनी का चित्र है ना, बनी ठनी, बनी ठनी किससे याद संबंधित रखना है अपने को, राजस्थान की मोनालिसा, बनी ठनी किशनगढ़ चित्र शैली से, अभी पढ़ेंगे बाद में है ना, राजस्थान की मोनालिसा कौन सी है, बनी ठनी, क्या बनी ठनी, 1651 में क्या है, मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का चित्रण किया जो वर्तमान में मुंबई संग्रहालय में पड़ा गया, यह भी इंपॉर्टेंट है, 1651 में मनोहर नामक चित्रकार ने रामायण का भी चित्रण कर दिया, रामायण का भी क्या कर दिया, चित्रण कर दिया है, और ये जो चित्र है ये वर्तमान में क्या है मुंबई संग्रहालय में पड़ा है भाई, है ना, ये बातें भी अपन को प्रमुख प्रमुख याद रखनी है। अब आ जाते हैं अगली पे, है ना, क्या करते हैं अगले पे आ जाते हैं। अब बात करते हैं इस जो चित्रशैली में नसरुद्दीन नामक चित्रकार द्वारा पंचतंत्र की कहानियों का चित्रण किया गया, पंचतंत्र की कहानियां किसने चित्रण की, नसरुद्दीन जी ने, और पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा जी, विष्णु शर्मा जी, कलीला व दमीना नामक गीदड़ों की कहानी, कौन इस, इन्होंने कौन कौन से लिखी, विष्णु शर्मा जी, अब इसमें कौन कौन से, कलीला एवं दमीना नामक गीदड़ों की कहानी पे लिखा हुआ है पंचतंत्र, और पंचतंत्र लिखा किसने, विष्णु जी ने, और विष्णु जी जो है विष्णु शर्मा जी उनकी जो पंचतंत्र की कहानियां उस पे चित्रशैली किसने बना दी, नुसरुद्दीन नामक चित्रकार ने बना दी भाई, है ना। अब देखिए एक और बात है, राजा रानियों के जो चित्र निर्मित हुए होते हैं राजमहल उदयपुर में स्थित एक कला विश्वविद्यालय में, उसका नाम है तस्वीरारोकार कानो चित्तेरोरी औरी, है ना, जो उदयपुर में है, क्या एक कला विद्यालय है उदयपुर में, उसका नाम है तस्वीरारो कारखानो चित्तोरो की ओवरी, है ना, तस्वीरारो कारखानो चित्तेरोरी ओवरी, ये भी प्रश्न याद रखना है, इसमें राजा रानियों के जो है चित्र निर्मित है ना, चित्र निर्मित है कौन से, राजा रानियों के। अब बात करते हैं आगे की, है ना, बात करते हैं किसकी, आगे की दोस्तों, स्थापना किसने की थी चित्तेरो की, ये तस्वीरारो कारखानों की स्थापना किसने की, जगत सिंह प्रथम ने, कला विद्यालय में अधिकांश चित्र किसने किसने बनाए, साहबुद्दीन व मनोहर ने बनाए, किसने, साहबुद्दीन साहब ने और मनोहर साहब ने, दोनों का नाम याद रखना है, साहबुद्दीन और मनोहर, ये तो याद रखने हैं, अगर अगर उदयपुर चित्र से लिया जाए तो हमेशा ये याद रखने हैं, साहबुद्दीन और मनोहर। विद्यालय में जो चित्रकारों को सामूहिक कार्य क्या है सिखाया जाता है, क्या चित्रकारी क्या सिखाया जाता है, सामूहिक कार्य सिखाया जाता है। इस चित्रशैली में कंपनी चित्रशैली का जो है प्रभाव भीम सिंह के काल में है, क्या कंपनी चित्रशैली का जो स्वभाव है वो कब आया, भीम सिंह के काल में, ये भी पूछा जा सकता है। इस शैली में जो है भित्ति चित्रों का प्रचलन भी भीम सिंह के हैं, भीत पे या दीवार पे जो चित्र बनाए जाते हैं
वो कब आया भाई, वो कब आया, कब आया, भीम सिंह के काल में। अब आ जाती है अपनी अगली शैली, अपने उदयपुर शैली में बहुत सारी बातें करी है, सब बातें याद रखने योग्य है ना। अब ये छोटी मोटी चार तीन शैलियां और अपन को पढ़नी है, क्या पढ़नी है, लाड लो, टिके रहो टिके रहो टिके रहो। नाथ द्वारा चित्र शैली, क्या नाथ द्वारा चित्र शैली, किस प्राचीन नाम क्या है, सिहाड़ राज के दो राज सिंह जो है, सियाड़ राज सिंह के द्वारा 10 फरवरी 1672 को श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित करने के बाद क्या नाथ द्वारा पड़ गया। पहले क्या था, सिहाड़ राज सिंह थे अपने, राज सिंह जी कौन थे जानते हो ना, औरंगजेब से पंगा लिया था राज सिंह जी, इतिहास में पढ़ेंगे बहुत मजे से, है ना। वो राज सिंह जी अपने, उन्होंने क्या की, श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापना की 10 फरवरी 1672 को, और उसके बाद इसका नाम पड़ गया क्या, सिहाड़ का नाम पड़ गया नाथ द्वारा। प्रारंभ काल भी राज सिंह के काल से अपने नाथ द्वारा चित्र चलेगा। 1652 से 1680 तक काल का जो है, काल जो है वो स्वर्ण काल कहलाता है, और राज सिंह का काल था, क्या राज सिंह का काल था, ये भी याद रखना है। प्रधान रंग कौन सा, हरा पीला और सफेद, कौन सा, हरा पीला और सफेद। प्रमुख चित्र केले के वृक्ष का बनाया, मोर पक्षी, पिचवाइयां जानते हो, पिचवाई कला, पिचवाई कला नाथ द्वारा एक फेमस है, पिचवाई कला मतलब जिसमें श्री कृष्ण की जो है वो झांकियों के अद्भुत दृश्य होते हैं। अन्नकूट के चित्र, कृष्ण अन्नकूट जानते हो ना, जानते हो दीपावली के दूसरे दिन खाया वाला है ना, ठीक है। कृष्ण यशोदा के चित्र, कृष्ण यशोदा के चित्र, राधा के चित्र, सांझी के चित्र और गाय के चित्र, ये सब चित्र जो है वैष्णव संप्रदाय और कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्र से लिए। और ये प्रमुख चित्र कौन कौन से, केले के, मोर के, पिचवाइयों के, अन्नकूट के, कृष्ण यशोदा के, राधा के, सांझी के और गाय के, ये सब प्रमुख चित्र है कौन से, नाथ द्वारा चित्र से लिखे। भाई प्रमुख चित्रकार कौन कौन से है, प्रमुख चित्रकार अपने चित्रभुज जी, नरोत्तम जी, नारायण जी, हरदेव जी और हरि कृष्ण देवा जी, है ना, हरे कृष्ण और देवा जी। और यहाँ तो क्या है, महिलाएं भी चित्रकार थी, कमला और इलायची, कमला पान मसाला और इलायची, है ना, अपने पान मसाला से याद रख लेना, कमला, कमला और इलायची, है ना, कमरा कमला और इलायची, रोज दूध में डाल रहे पियो ना इलायची, वही इलायची अपना नाथ द्वारा चित्र शैली से संबंधित है भाई, है ना। अब बात करते हैं अपने देवगढ़ चित्र शैली की, तीसरी शैली अपने कौन सी, मेवाड़ स्कूल ऑफ आर्ट की, है ना, तीसरी चित्र शैली कौन सी है भाई, अपने देवगढ़ शैली। और राजसमंद में प्रारंभ काल हुआ, राजसमंद में जो प्रारंभ काल है वो रावल द्वारिका प्रसाद के काल में हुआ। स्वर्ण काल राणा जय सिंह इस शैली की जो है प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो श्रीधर अंधारे, श्रीधर अंधारे, ठीक है। प्रधान रंग कौन कौन से, प्रधान रंग देखो, हरा पीला, हरा और पीला, हरा और पीला, किस किस के चित्र बने, सारस पक्षी के बन गए, हाथियों की लड़ाई, हाथियों की लड़ाई और ध्यान रखना कहाँ कहाँ, जयपुर में भी हाथियों की लड़ाई आएगी, जयपुर में भी आएगी, है ना, पढ़ेंगे अपन, ठीक है। राजमहल के दृश्य, खेर वृक्ष के, खेर के वृक्ष, हाथियों की लड़ाई, सारस पक्षी, राजमहल, ये सब चित्र है अपने देवगढ़ शैली से संबंधित। कमल, चौका, वेगनाथ, सॉरी वेदनाथ और रुगा, रुगा, कमल, चौका, वेदनाथ और रुगा जो है अपने प्रमुख चित्रकार है कौन से, देवगढ़ चित्र से लेके। कॉकटेल चित्र से लिए, कॉकटेल बनाया ना आपने, कॉकटेल जानते हो, कॉकटेल क्या होता है, सब जानते हो, मुझे पता है सब जानते हो, कमेंट करके बताओ कौन कौन जानता है ना, कमेंट करके बताओ कौन कौन जानता है कॉकटेल। कॉकटेल चित्र से लिए, मेवाड़, मारवाड़ और ढूंढाड़, तीनों चित्र शैलियों का मिश्रण है, मिश्रण, सब चीजें जानते हो भाई, सब जानते हो आप लोग, सब जानते हो, ठीक है। अब बात करते हैं चावंड शैली की, क्या चावंड चित्र शैली की, और ये उदयपुर में अपने का, उदयपुर में, लेकिन उदयपुर चित्र शैली अलग है। चावंड, चावंड जानते हो ना, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप ने राजधानी बताई थी, चावंड बनाई थी ना, 1585 ईस्वी में महाराणा प्रताप ने लूणा चावंडिया को पराजित किया, चावंड को क्या बना ली, मेवाड़ की राजधानी बना ली। प्रारंभ काल का महाराणा प्रताप का, और अमर जो है सिंह है अपने, अमर सिंह जो है वो स्वर्ण काल में आते हैं, इन सबसे ज्यादा चित्र जो बने वो किसने, अमर सिंह के काल में बने। प्रधान रंग कौन सा है, पीला, प्रधान रंग कौन सा है, पीला। प्रमुख चित्र कौन सा है, युद्ध के दृश्य, गैर नृत्य, घोड़े का चित्र और नीम वृक्ष, क्या घोड़े का चित्र, युद्ध के दृश्य और गैर नृत्य और घोड़े का चित्र, ये सब ये प्रमुख चित्र है। चित्रकार कौन कौन से, नसरुद्दीन, कंगड़ावा, धर्मा और कोजा, ये सब याद रखने, ये सब याद रखने, कौन कौन से, नसरुद्दीन जी, कंगड़ावा, धर्मा, कोजा। उन 1592 ईस्वी में नसरुद्दीन चित्रकार ने राणा प्रताप के काल में जो है
ढोला मारू, ढोला मारू जानते हो ना, ढोला मारू पवे वाला नहीं, ढोला मारू वही ढोला और मारू की कहानी जो मैं सुनाऊंगा, मेरी जुबानी जल्दी आने वाली है वो कहानी। सुनने के लिए लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई, है ना। 1605 ईस्वी में नसरुद्दीन चित्रकार ने अमर सिंह प्रथम के काल में रागमाला सेठ का चित्रण किया। तो आज की जो कक्षा होती है वो यही खत्म। हम लोग जो है अध्ययन करेंगे कौन सी अगले चित्र शैली का जो है दूसरी स्कूल का, कौन सी मारवाड़ स्कूल का, वो अगली कक्षा में करेंगे। अब तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली कक्षा में। राम राम सर।